ढोंगी बाबा का भंडाफोड़। बंद कमरे में नोटों की बारिश का देता था झांसा, देखिए फिर कैसे लगाता था चूना। आसमान से ओले और बारिश की बूंदें बरसती आपने देखी होंगी, मगर नोटों की बारिश का नजारा शायद ही आपने देखा हो। झारखंड के जामताड़ा में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ जिन भूत देने के नाम पर और नोटों की बारिश दिखाकर ढोंगी बाबा ने कईयों को अपना शिकार बना लिया, लेकिन आखिरकार उस ढोंगी बाबा का पर्दाफाश हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पहले देखिए इस वीडियो को जहां एक जादूगर अपना मैजिक दिखाकर नोटों की बारिश कर रहा है, और पास में सांप को देखिए जो दौलत के रखवाले के साथ ग्राहकों को डराने का काम कर रहा है। इस महाठगी के मामले से पर्दा तब उठा जब केरल के रहने वाले अशरफ अपने कुछ दोस्तों के साथ जमशेदपुर पहुंचे, जिनका मकसद लोगों को इस जिन देने वाले बाबा के चंगुल से बचाना था। बाबा बोलते हैं हमारे पास बहुत जिन्नते हैं, बूद है, ठीक है, मट्टी से हम गोल्ड बना के दे दूंगा, ऊपर से पैसे गिराऊंगा, ठीक है। इसके लिए हमारे पास आने के लिए पहले 7,200 रुपीस हमारा चार्ज है, ठीक है। फिर वो पैसे ले लेगा, फिर उसका जन्नत का दुनिया का एक अकाउंट नंबर दे देगा, आधार कार्ड नंबर 221, एक एक नाम ले लेगा। इस मस्तान का नाम है देवदास गौरा, इसका मधुवेल्लूरी का नाम है बुक्ता रुब्बा, ऐसे ऐसे एक एक आदमी को इसको पहले झारखंड का पेपर में, पेपर की लीजिए, झारखंड का पेपर में एग्रीमेंट बनाता है, स्टाम्प पेपर में पेपर निकालिए, ठीक है। उस स्टाम्प पेपर में पहले एग्रीमेंट करेगा, उसके बाद पैसा वीडियो का डेमो दिखाएगा, पैसा गिर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। वो गिरने के बाद फिर बोलते हैं तुम लोग कितना है, अगर मट्टी से गोल्ड चाहिए, गोल्ड का इतना वैल्यू 20 करोड़ है, 20 करोड़ के लिए टैक्स आएगा 4 लाख 5 लाख, वो ले लेगा पहले। उसके बाद में एक रूट मैप दिखाते हैं, मैं दिखाएगा आने के टाइम, जिन्नत लोग पैसे लेके आने के टाइम क्या हो गया, टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ा, ठीक है, इसलिए इसको बहुत वैल्यू है और 4 लाख, ऐसा ऐसा बोल के सबसे पैसे ले रहा हूँ। आपको कैसे मिला? आप कैसे मिले? मेरे को मिला है, मैं विजयवाड़ा में आ चुका था, मैं बहुत जगह पर बच्चों को पाल रहे, बहुत चैरिटी करते हैं, जिससे पैसा लेके नहीं है, हम खुद का, मैं NRI उधर सुपर मार्केट है, शॉप है, सब कुछ है। ऐसा आंध्र में आया था, सिम एक दिन झगड़ा दे के मैं बात की, अनगोरी किया, उसमें एक आदमी 10 करोड़ रुपये 10 लाख रुपये दे चुके हैं, उसको बच्चों के MBBS पढ़ने का पैसा है वो दिए, बच्चे का पढ़ाई गया, ठीक है, वो जहर पिया बोल के वो तकरीबन 10-15 लोग बैठ के इस आदमी का घर पर प्रॉब्लम कर रहे हैं। आंध्र में गया तो आंध्रा वाला केस नहीं उठा रहा है, किधर भी केस नहीं उठा रहा है, बोलते ये BSP के लीडर है, क्या है ये BSP के लीडर है, बोले कुछ भी कर सकते हैं। जमशेदपुर में केस कैसे? जमशेदपुर किसके लिए आया, इसको हर जगह पर ये है लिंक है, इधर का जनता को बोलने का, इसके हाथ में कोई भी नहीं फंसने का, दोबारा इसके हाथ में कोई भी ऐसा डीलिंग जादू है, जिन्नत है, ऐसे ऐसा बोलेगा, कोई भी नहीं जाओ, ये पूरा ब्लैक मैजिक है। इसको क्या माना जाए कि अवेयरनेस करने के लिए जमशेदपुर आ गए या FIR करने के लिए आए? FIR किधर भी लेता नहीं है, FIR किया तो हम कर सकते हैं, इसको कितना तक लड़ाई सक सकते हैं, हम लड़ाई करूंगा। दरअसल पहले बाबा लोगों की समस्याओं को सुनता था और फिर उन्हें जिन देने की सलाह देता था, इसके बाद उन्हें बंद कमरे में नोटों की बारिश दिखाकर बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लेता था, इसके बाद धीरे धीरे उनसे लाखों रुपए लूट लेता था। मतलब मेंबर हम लोग की टीम के, तो ये मुझे इन्फॉर्म किए कि ऐसा ऐसा केस है और आपका झारखंड का है, तो ये लोग झारखंड जामताड़ा पहुँचे, फिर हम लोग भी जामताड़ा पहुँचे और वहाँ उनके कस्टमर हम लोग बने, मैं और मेरे हस्बैंड, तो वहाँ कस्टमर बनने के बाद उन लोग 3 दिन तक टाले, रोज़ मैं हम लोग बुला रहे उनको फ़ोन करके, लेकिन आज आ रहे कल आ रहे करके, फिर वहाँ जाने के बाद हम लोग वहाँ के SP सर से मिले, तो SP सर हम लोग से मतलब भेंट नहीं किए, बीमार है बोल करके थाने को भेज दिए। थाने को भेजने के बाद थाने वाले से हम लोग मिले हैं, वहाँ के प्रभारी से, जामताड़ा के, हाँ मिले, वो फिर आए, वो आने के बाद मतलब इस आने के बाद बोलती मिली उनसे कि हम लोग को जिन चाहिए, जिन चाहिए, हाँ हम लोग हैदराबाद से आ रहे हैं, रिप्लाई क्या है? तो वो बोले कि ठीक है आप आ जाइए होटल में, होटल में रूम बुक कीजिए, हम लोग को खबर कीजिए, तो हम लोग फिर उस होटल में, जिस होटल में रुके उनको खबर किए कि हम लोग ये प्रभात इन में रुके हुए हैं, तो 2 दिन के बाद वो हम लोग से मिलने आए, लेकिन आए तो उन लोग कम से कम 7-8 बंदे थे, जो कि होटल के बाहर भी कुछ थे, सीढ़ी में थे, कुछ कुछ हम लोग के रूम के बाहर थे और 3 बंदे हम लोग के रूम में,
और जो जादू मतलब जो जिन देते हैं वो आकर के हम लोग को बोले कि आप लोग को कैसा जिन चाहिए, हम लोग बोले रुपया वाला जिन चाहिए। और तब तक तो इन लोग पुलिस को तो हम लोग पहले ही से बोल चुके थे आने के लिए सिविल ड्रेस में, लेकिन तब तक पुलिस आ गई और पुलिस आने के तुरंत बाद उस बंदे को फ़ोन आ गया, जो उनके लोग खड़े थे बाहर में उन लोग फ़ोन कर दिए कि पुलिस आ चुकी है, वो जल्दी से बालकोनी से देखे और भागने की कोशिश किए। तब तक हम लोग पुलिस को बोले कि दोनों गेट को बंद कर दीजिए, किसी को निकलने मत दीजिए। तब तक ये रूम के बाहर थे अशरफ सर, तो वो उनको पकड़े और पकड़ करके हम लोग पुलिस के हवाले कर दिए। अभी छूट गया? हाँ, दूसरे दिन ही छूट गए वो। ढोंगी बाबा को पुलिस ने पकड़ तो लिया लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया, जिसके बाद अशरफ और उसकी टीम जमशेदपुर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर ढोंगी बाबा को तुरंत गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत की रिपोर्ट।